आज है गणेश चतुर्थी, तो हम आपको गणेश चतुर्दशी पे जो अपनी मतलब पूरी झांकियां सजती है पूरे गणेश जी विसर्जन के पहले, जो सब मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है इंडिया में, आप सबको पता ही होगा, बहुत सारी झांकियां सजती और आनंद चौदस में वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब हम आपको ब्लॉग में बताएंगे। आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें, पूरा ब्लॉग देखें, आपको इंदौर का हम पूरा मतलब राजवाड़ा घुमाएंगे और पूरा मतलब झांकियां बताएंगे, ठीक है? तो तुम पूरे ब्लॉग में बने रहो, लाइक कमेंट शेयर करते नहीं हो तो करना स्टार्ट कर दो क्या। बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। आज हम पहुंच गए नोवेल्टी के, इधर हम बताएंगे आपको कैसे क्या माहौल है, सब राम राज्य के नारे लग रहे हैं, आप बोलो जय श्री राम। हर घर में दिन रात मुझे खाते खाते देखती, क्योंकि वो सब मुझे खाने का लगा के देते, मैं खा लेता हूँ, मना करता हूँ।
ये हमारे अमन भैया है, ये तो हमारे जाति पर हम इन्हें बोलते भैया है, ये बुंदेलखंड से, मतलब खतरनाक नाम बताया इनका। तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं झूले देख के, खैर मेरे को तो डर लगता झूलने में, पर ये क्या झूल रहे बच्चे, खूब मस्ती कर रहे हैं। थोड़े से थक गए हैं तो दीदी और जाजी क्या जा रहे हैं, मतलब अमन भैया जा रहे हैं तो अभी हम ही विलोक में रहेंगे, कोई बात नहीं, आपको तो आदत है मेरे को देखने की, ठीक है भाई कर रहे हैं दोनों। इनमें से निकल के धीरे धीरे उधर सामने जाते हैं, क्योंकि इधर तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, तुम्हारा पता है भीड़ में क्या, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है इधर, तो इधर नहीं घूमेंगे अपन, उधर से उधर चलेंगे, ठीक है आपको पूरे विलोक में बताते हैं। ये तो क्या रो ही रहा था, ये देखो वो बहुत जोर से रो दिया अभी बहुत। अरे वो स्वागत के लिए स्टेज लगाया यहाँ पे, ये भैया हंस रहे हमारे को देख के। सारी दूर घुमा दिया, अभी नगर निगम पे घूम लो, बहुत ज़्यादा भीड़ का माहौल है यहाँ पे, हमारी इंदौर प्रशासन भी सख्ती में है। अभी पानी पूरी बहुत जोरों से चल रही है, पानी पूरी के ठेले पे भैया आज भी पानी पूरी के मजे ले रहे हैं, वो दीदी देख के हंस दिए, डोसा बना रहे भैया यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से, तेजी से डोसा बन रहा, भैया का गिरादी बहुत ज़्यादा है इनके यहाँ। फाइनली नोबल टीम इंदौर की प्रशासन देखी, मतलब बहुत सख्त हैं, जो हमारे इंदौर के महापौर जी वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने खुद ने देखा होगा भीड़ में मतलब लड़ाई हो गई थी, उसमें एक बच्चा था एनसीसी का, वो तकरीबन 9th या 10th क्लास का बच्चा होगा, वो बच्चा देखो उस भीड़ में लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, मतलब उसकी ड्यूटी थी एनसीसी में, तो वो कुछ कर तो नहीं सकता था, पर वो बच्चा इतना समझदार था कि वो गया बुला के लाया एक पुलिस वाले को, फिर पूरी लड़ाई ख़त्म करवाई। मतलब इंदौर की प्रशासन को इस मामले में मानना पड़ेगा, मतलब बहुत सही तरीके से इतना बड़ा जो
बहुत बड़ा शहर संभाल रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, तो लाइक कमेंट शेयर करें ब्लॉग को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। क्या है कि शेयर करोगे तो ये तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे यार, अभी तो क्या फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहे अपने 35 से ज्यादा, तो बढ़वाओ इसको, क्या थोड़ा सा ग्रोथ करवाओ। ग्रोथ करेंगे अपन, कर लेंगे ग्रोथ, तो खैर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।